घटिया पीसी से निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। कार्यस्थल पर गिरा है दर्जनों ट्रेलर लोकल बालू। ग्रामीणों ने बताया कि इस कार्य में जो बालू उपयोग किया जा रहा है वह रामनगर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव के ढोंगही नदी से रात्रि में निकासी करके लाया जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि नियमों को ताक पर रख कर कराया जा रहा है यह पीसीसी कार्य। News9 Times पश्चिमी चंपारण गौनाहा से आसिक हुसैन की रिपोर्ट। गौनाहा प्रखंड अंतर्गत मटियरिया थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार महुई पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 10 तुरकौलिया गांव से फुलकौल जाने वाली मुख्य सड़क पर पीसीसी निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर प्रदर्शन करते हुए रोक लगा दी गई है। उक्त पंचायत के पंचायत समिति सदस्य खुर्शीद अंसारी, ग्रामीण गुफरान खान, इस्लामुद्दीन अंसारी, उबैदुर रहमान खान द्वारा बताया गया कि आज़ादी के बाद इस सड़क पर पहली बार पीसीसी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, लेकिन संवेदक द्वारा काफ़ी ही घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इस पीसीसी को संवेदक रामाशंकर प्रसाद द्वारा 49,99,810 रुपये राशि की लागत से सिल्ट बालू लोकल क्वालिटी की सीमेंट से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब बिहार सरकार द्वारा बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है तो आखिर इस कार्यस्थल पर दर्जनों ट्रेलर अवैध बालू कहां से और कैसे स्टॉक कर काम करवाया जा रहा है। अवैध खनन को लेकर स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। स्थानीय ग्रामीण नागेंद्र साह, फजले हक अंसारी, अली साह, शमसुद्दीन अंसारी, तौकीर खान, जोखन साह, साहिन खान, आलम अंसारी, सुलेमान मियाँ, आस मोहम्मद अंसारी आदि ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि यह सड़क रामनगर से होते हुए सैनिक रोड सोनबरसा से लिंक होता है, जिस पर किसानों के गन्ने और अत्यंत ही भारी वाहनों का आवागमन जारी रहता है। यदि इसे मजबूत नहीं बनवाया गया तो यह रोड बहुत ही जल्दी ध्वस्त हो जाएगी, जिसका खामियाजा हम ग्रामीणों को भुगतना पड़ेगा। कार्यस्थल पर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि जिस नदी से इतनी भारी मात्रा में लोकल बालू का निकासी करके यहाँ लाया गया है वह ढोंगही नदी ग्राम हरपुर जिला बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में पड़ती है। वहीं रामनगर थाना अध्यक्ष अनंत राम से जानकारी लेने के लिए बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं बालू रखवाली करने के लिए बैठा हूं क्या। वहीं जिला खनन पदाधिकारी से उक्त बालू के विषय में जानकारी लेने के लिए फ़ोन किया जा रहा है तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। कार्यस्थल पर मौजूद संवेदक रमाशंकर प्रसाद ने बताया कि ग्रामीण ने जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद और गलत हैं। News 9 Times के क्षेत्र से ये बालू इतना मात्रा में निकल गया है भैया? रामनगर थाना क्षेत्र से है। ये काम हो रहा है सुजोग का कौन है? क्या बालू है? हरपुर नदी रामनगर थाना में पड़ता है। रामनगर से निकल कर आ रहा है बालू ये? और किस काम के लिए गिराया गया है यहाँ पर? ये पीसीसी बन रहा है फुटबॉल और फुटबॉलिया के बीच में जो मटेरिया थाना को जो काम हो रहा है। ये कौन प्रखंड है, कौन थाना है? ये गौनाहा और रामनगर दोनों पड़ेगा। आपका नाम? नागेंद्र सिंह। जो लोकल बालू आ रहा है वो बालू किस थाना से निकल रहा है, किस थाना के नदी से? रामनगर थाना से। क्या? रामनगर थाना से निकल रहा है। रामनगर थाना से? ढोंगही नदी से। ढोंगही नदी रामनगर थाना पड़ता है? पड़ता है। और जो ये कार्यस्थल है ये मटेरिया थाना में काम हो रहा है। हाँ, ये सड़क कहाँ कहाँ जाती है, कहाँ से? सनबरसा मटेरिया थाना तक जाती है। अच्छा, अभी कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ये? ये बन रहा है फुलकौलिया से लेकर आखिरी जो रामनगर थाना का छोर पड़ता है उसी जगह। आपका नाम? फैले हक। जहाँ से बालू निकल रहा है वो कौन जगह है? हरपुर नदी है, मटिया रामनगर थाना में पड़ता है। हरपुर नदी जी रामनगर में पड़ता है। रामनगर पड़ता है, रामनगर। और यहाँ मटेरिया में आके गिर रहा है जो पीसी काम हो रहा है उसी में आके गिर रहा है। रामनगर थाना में वो ढोंगही नदी पड़ता है जहाँ से ये बालू निकलता है जी, और मटेरिया थाना में ये पड़ता काम हो रहा है वहाँ पर गिर रहा है। हाँ, उसी से काम हो रहा है।